हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 11 की सेंटेंसेस वाली क्लास। तो चलिए देखते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। इससे पहले भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है, जो लोग नए हैं। और चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ, देखते हैं। पहला सेंटेंस है, अपना हिसाब कर लो, अपना हिसाब कर लो। तो इसे हम कैसे बोलेंगे दोस्त? इसे बोलेंगे क्लीन योर अकाउंट्स। क्लीन योर अकाउंट्स, क्या बोलेंगे? क्लीन योर अकाउंट्स। बहुत बढ़िया, मेरे पीछे पीछे बोलो भाई, साथ में बोलो, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए मेरे पीछे पीछे बोलना है। ओके, तो देखते हैं इसको बोलते हैं, नीले पेन से मत लिखिए, नीले पेन से मत लिखिए। तो क्या बोलेंगे? डोंट राइट विद अ ब्लू पेन, डोंट राइट विद अ ब्लू पेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे गो अवे फ्रॉम हेयर, क्या बोलेंगे? गो अवे फ्रॉम हेयर। चलिए अगला बोलिए, क्या लिखा है? इस कार से बाहर निकल जाओ, इस कार से बाहर निकल जाओ। तो क्या बोलेंगे इसको? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसे बोलेंगे गेट आउट ऑफ दिस कार। अब देखो, कार होगा या यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, घर हो सकता है, ठीक है, ऑफिस हो सकता है। मतलब जैसे बदल दोगे ना इस कार को, ये जो कार है इसको बदलोगे तो नया सेंटेंस फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप मुझे एक कमेंट में जल्दी से एक कमेंट कीजिए, एक इसके अलावा कोई सेंटेंस में बना दिखाइए। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, पढ़िए और एक नया सेंटेंस कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी के आधार पर बस कार को चेंज कर दीजिए और नया सेंटेंस कमेंट कीजिए फटाक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कह रहे हैं खच पच मत लिखो, साफ साफ लिखो। क्या बोल रहा है भाई? खच खच पच मत लिखो, साफ साफ लिखो। अक्सर बच्चे करते हैं ना, तो क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे भाई? पढ़ो मेरे साथ साथ, क्या बोलेंगे? डू नॉट स्क्रबल, क्या बोलेंगे? डू नॉट स्क्रबल राइट लजिबली, क्या बोलेंगे? लजिबली। इसे क्या बोलते हैं? लजिबली मतलब होता है स्पष्ट, साफ, क्लियर है? डू नॉट स्क्रबल राइट लजिबली, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाइए। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे गेट वेल सून। अक्सर बोलते हैं ना, ऐसे कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में देखने गए या किसी की तबीयत खराब है, तो क्या बोलते हैं हम? जल्दी से ठीक हो जाइए, मतलब क्या हो गया? गेट वेल सून। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। तो क्या बोलेंगे? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। कह रहे अपने वादे से मत मुकरो, अपने वादे से मत मुकरो। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? क्या बोलेंगे इसको? तो बोलेंगे डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कह रहा है फर्श पर यहाँ वहाँ मत थूको, फर्श पर यहाँ वहाँ मत थूको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। देखते ना कुछ लोग क्या होते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर कुछ लोग खाते हैं ऐसी नशीली चीज़ें, तो क्या करते हैं? थूकते रहते उधर। तो उसको कैसे बोलेंगे? डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। ठीक है, अच्छा, कह रहा है खूब मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ। तो क्या बोलेंगे? स्माइल अ लॉट। हाँ भाई, खूब मुस्कुराइए, सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, मुस्कुराइए, आप एजुकेशनल एम्बेसी चैनल पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जल्दी ऑफिस पहुँचें क्योंकि बॉस नाराज़ है, जल्दी ऑफिस पहुँचें क्योंकि बॉस नाराज़ है। इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे रीच ऑफिस अर्ली एज बॉस इज एंग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ना ऑफिस की जगह क्या हो सकता है? होम हो सकता है, और बॉस की जगह क्या हो सकता है? बॉस की जगह क्या हो सकता है भाई? मदर या फादर हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रीच ऑफिस अर्ली एज बॉस इज एंग्री। यहाँ पर इस सेंटेंस को आप फिर से बनाइए। ठीक है, आप कुछ चेंज कीजिए, ऑफिस को चेंज कीजिए, ठीक है, और बॉस को चेंज कीजिए, और मुझे नया सेंटेंस बनाकर जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। कुछ लोग देखता हूँ कमेंट नहीं करते हैं,
जब तक करोगे नहीं तब तक सीओ कैसे, ठीक है। कमेंट करो, ठीक है, एक नहीं दो नहीं तीन बार कमेंट करो, जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ सबको बनाओ, ठीक है, समझ रहे हो बात को। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो चलो बोलो मेरे साथ क्या है, ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, बोलेंगे डू नॉट ओवर ईट, क्या बोलेंगे, डू नॉट ओवर ईट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अपने जूते निकाल लो, अपने जूते निकाल लो, तो क्या बोलेंगे, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, ठीक है। अगला है फालतू बात मत करो, फालतू बात मत करो, तो क्या बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस, क्या बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। आगे बढ़ते हैं, टेबल लगा लो, तो क्या बोलेंगे, ले द टेबल, क्या बोलेंगे, ले द टेबल। नेक्स्ट है एक नल था, एक नल था, तो क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ टैप, देयर वॉज अ टैप। चलो भाई नया सेंटेंस बनाओ इससे और कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कौन लोग बना पाते हैं, ठीक है, जो लोग सीख रहे हैं वो लोग बना पाएंगे, ठीक है। नया सेंटेंस फटाक से कमेंट करो, ठीक है, जल्दी वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया कमेंट, चलिए जल्दी जिन लोगों ने नहीं किया फटाफट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 17, कोई है क्या, कोई है क्या, तो क्या बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, इज समवन देयर, क्या बोलेंगे, इज समवन देयर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बोलिए आगे, क्या तुम्हारा भाई वहां था, क्या तुम्हारा भाई वहां था, इसे कैसे बोलेंगे, वॉज योर ब्रदर देयर, वॉज योर ब्रदर देयर, क्या बोलेंगे, वॉज योर ब्रदर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं क्या आप, आपके दिल में प्यार नहीं है, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है, तो कैसे बोलेंगे इसे, इसे कैसे बोलेंगे, ये क्या है, इजेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इजेंट देयर लव इन योर हार्ट, क्या बोलेंगे, इजेंट देयर लव इन योर हार्ट। अच्छा नेक्स्ट की बात करें, तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो, तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो, तो क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे वाई आर यू हिडन देयर, क्या बोलेंगे, वाई आर यू हिडन देयर, हिडन का मतलब क्या होता है, छिपना, ठीक ना, क्लियर है, समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या होता है, छिपना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जंगल में एक राजा रहता था, जंगल में एक राजा रहता था, तो क्या बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे, देयर लिव्ड अ किंग इन अ जंगल, ठीक है, देयर लिव्ड अ किंग इन जंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, पहला नथिंग वॉज देयर, ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग, ठीक है, दो में से एक ही बोलेंगे, आपको पहले बताया था स्लैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दो में से एक का इस्तेमाल करना है एक बार, ठीक है, या तो बोल सकते हो नथिंग वॉज देयर या फिर देयर वॉज नथिंग, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक राजा वहां गया, एक राजा वहां गया, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयर वेंट किंग, देयर वेंट किंग, या क्या बोल सकते हैं, अ किंग वेंट देयर, अ किंग वेंट देयर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वहां क्या है, वहां क्या है, तो क्या बोलेंगे, वट इज देयर, वट इज देयर। नेक्स्ट में चलते हैं, कह रहा है उस शहर में एक पार्क था, उस शहर में एक पार्क था, क्या बोलेंगे इसे, देयर वॉज अ पार्क इन डैट सिटी, क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ पार्क इन डैट सिटी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो क्या बोलेंगे, डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, क्या बोलेंगे, डू यू नॉट हैव मनी, ठीक है। अगला है क्लास में तीन लड़कियां बैठी हैं, क्लास में तीन लड़कियां बैठी हैं, तो क्या बनेगा, देयर वर थ्री गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। इसी तरह अगर 10 बच्चे होंगे 20 बच्चे होंगे तो बस लिख सकते हैं क्या, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, अगर बॉय होगा तो नंबर बॉय का और डाल देंगे बॉयज, क्लियर है, गर्ल्स की जगह, ओके क्लियर। अब देखो क्लासरूम की जगह हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं पार्क में बैठे थे, हॉल में बैठे थे, ठीक है, म्यूजियम बैठे थे, हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे ही चेंज करेंगे ना मेन वर्ड तो नया सेंटेंस फॉर्म करता है, तो ठीक है मुझे आप इससे नया सेंटेंस ना दिखाई, जल्दी से कमेंट में न्यू सेंटेंस फटाफट, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
ठीक है, कह रहा है मेरे पापा वहां रहते थे, मेरे पापा वहां रहते थे। तो दो तरीके से बोल सकते हैं इसको, कैसे बोलेंगे? पहला है देयर लिव्ड माई डैड, देयर लिव्ड माई डैड, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा नंबर बोल सकते हैं माई डैड लिव्ड देयर, माई डैड लिव्ड देयर, दो में से कोई एक बोलेंगे। क्लियर? आगे कह रहा है टेबल पर पेन था, क्या बोल रहा है भाई? टेबल पर पेन था, टेबल पर पेन था, तो क्या बोल रहे हैं इसको? देयर वॉज अ पेन ऑन द टेबल, क्या बोल रहे हैं? देयर वॉज अ पेन ऑन द टेबल, ठीक है, समझ गए बात को। अगला है तकिए के नीचे एक पत्र है, तकिए के नीचे एक पत्र है, तो इसको बोलने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन है देयर इज अ लेटर बीनेथ, ठीक है, क्या बोलेंगे? देयर इज अ लेटर बीनेथ, ठीक है, या दूसरा बोल सकते हैं अंडरनेथ द पिलो। बीनेथ का मतलब होता है नीचे और अंडरनेथ का मतलब होता है क्या? नीचे। क्लियर? कुछ लोग उसको ना बीनीथ बोलते हैं, कुछ लोग बीनीथ बोलते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। क्लियर? आगे बात करते हैं, वहां कोई नहीं होगा, वहां कोई नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? देयर विल बी नो वन, देयर विल बी नो वन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है, तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है, तो क्या बोलेंगे इसे? देयर इज अ मैन स्टैंडिंग विद योर ब्रदर, देयर इज अ मैन स्टैंडिंग विद योर ब्रदर, बोलो भाई, ठीक है, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। ओके चलिए, कह रहा है इस तरह के कई फूल हैं, इस तरह के कई फूल हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर आर सो मैनी सच फ्लावर्स, देयर आर सो मैनी सच फ्लावर्स। अच्छा अगला है वहाँ देखने को कुछ नहीं है, वहाँ देखने को कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग टू सी, देयर इज नथिंग टू सी। नेक्स्ट की बात करें, कह रहा है क्या क्लास में कोई नहीं है, क्या क्लास में कोई नहीं है, तो क्या बोलेंगे? Isn't there anyone in class? Isn't there anyone in class? ठीक है, बात करें नेक्स्ट की, कह रहा है खेलने के लिए लड़के नहीं हैं, खेलने के लिए लड़के नहीं, क्या बोलेंगे इसको? There are no boys to play. There are no boys to play. नेक्स्ट की बात करें, उसके बटुए में पैसे नहीं हैं, उसके बटुए में पैसे नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे? There is no money in his wallet. There is no money in his wallet. बात करें नेक्स्ट की, कह रहा है इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं, इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं, तो क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे इसको? तो बोलेंगे There are opportunities in this company to grow. There are opportunities in this company to grow. Clear? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जाने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो there is no need to go, there is no need to go. अगला है बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या बोलेंगे? There is no need to eat burger, there is no need to eat burger. ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, एक सांप था, क्या था भाई? एक सांप, भाई किन लोगों को सांप से डर लगता है? लगता है क्या भाई? अच्छा भैया हमको तो बड़ा डर लगता है सांप से, ठीक है, एक बार सांप देखे थे, बुखार लग गया था हमको, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? एक सांप था, तो क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ स्नेक, ठीक है, ओके। अगला है क्या है? एक पेड़ है, एक पेड़ है जिसका रंग लाल है, एक पेड़ है जिसका रंग लाल है, तो क्या बनेगा? देयर इज अ ट्री ऑफ रेड कलर, देयर इज अ ट्री ऑफ रेड कलर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, कह रहा है क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास पेन है, तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ पेन, क्या बोलेंगे? डू यू हैव अ पेन। कह रहा है उस कुएं में पानी नहीं था, उस कुएं में पानी नहीं था, तो क्या बोलेंगे?
बोलेंगे देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल, कुएं को वेल बोलते हैं, क्लियर है, क्या बोलेंगे, देयर वॉज नो वाटर इन दैट वेल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, कह रहा है जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे, जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे whenever I was in trouble you are there with me, क्या बोलेंगे, you are there with me। नेक्स्ट की बात करें, मैंने जो कुछ किया वहीं पर किया, तो क्या बोलेंगे, whatever I did there, ठीक है, मैंने जो कुछ किया वहीं पे किया, ठीक है, whatever I did there, क्लियर। बढ़ते हैं अगले पे, कह रहा है उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, there is no joy in his life, जॉय को खुशी बोल रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, तो क्या बोलेंगे is something going on there, ठीक है, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हाँ भाई प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे there is no such thing as love, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है ऐसा कोई शब्द नहीं होता, there is no such word, तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। एक बार जरा रिमाइंडर दे दूं, आपको ये जो सेंटेंसेस की क्लास चल रही ना, इसको एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक है, एज इट इज़ लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है, क्लियर। ये सेंटेंस बने कैसे, ये कहाँ पे इज आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये सब जानने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स वाली हमारी वीडियो चल रही हैं उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेंटेंस आपको यहाँ लर्न करने हैं और आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करनी है, ओके। और आपको पता है कि अगर आप 50 सेंटेंस नहीं सीखते, 50 सेंटेंस तो सीखे लेकिन उसके अगर मेन वर्ड चेंज करते जाओ तो आप 50 नहीं बल्कि 200 सेंटेंस सीखे एक दिन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लो इसको, ठीक है, लर्न करो और प्रैक्टिस करो, सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस करना, क्लियर, समझ गए बात को। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने फिर से कुछ नया सीखा होगा, तो मिलते हैं कल फिर से नई क्लास के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जाते जाते इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।